ये 9 साल की जो टिप है, टिप्स है ना, ये जो ये डेंड्राइट लिखा हुआ है ना, ये डेंड्राइट्स, ये इनकी जो टिप्स हैं, ये एनवायरनमेंट में से अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग सिग्नल्स को डिटेक्ट करती हैं और हमें फिर फील होता है। ये आगे हम जाके पढ़ेंगे कि ये कैसे जो सिग्नल है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में, दूसरे नर्व सेल से तीसरे नर्व सेल में, और ऐसे ऐसे करते ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और फिर हमें उस चीज़ का पता चल जाता है, फील हो जाता है। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आर सेंस ऑर्गन्स सच एज द इनर ईयर, द नोज, द टंग एंड सो ऑन। वो कहते हैं ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो नर्व्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? सारे आइस हैं, नोज है, टंग है, एयर है एंड स्किन है। ये सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इन सेंसरी ऑर्गन्स में ये नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें एनवायरनमेंट में से अलग अलग चीज़ों को सेंस करने में हेल्प करते हैं। ओके, हमें पता चलता है। सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल। हमारी टंग पे गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, रिसेप्टर्स मतलब नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से हमें अलग अलग चीज़ों का टेस्ट का पता चलता है। और हमारे नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें अलग अलग चीज़ों की स्मेल आती है। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। वो कहते हैं नर्व सेल की जो ये डेंड्रिटिक टिप है ना, ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट हैं, इसकी जो टिप है, ये टिप एनवायरनमेंट में से सिग्नल को सेंस करती है। सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से जुड़ा होता है, दूसरा नर्व सेल तीसरे नर्व सेल से जुड़ा होता है। कितने सारे नर्व सेल्स एक पूरी लाइन में जुड़ के एक नर्व बनाते हैं। और ये डेंड्रिटिक टिप जो है, ये एनवायरनमेंट में से सिग्नल को रिसेप्ट करती है, मतलब सिग्नल को उठाती है, लेती है, एक्सेप्ट करती है और फिर आगे की आगे नर्व सेल्स में पास करती है, जो इससे अगले वाला नर्व सेल होगा उसमें ये पास कर देती है, फिर अगला नर्व सेल दूसरे अगले नर्व सेल को पास कर देता है वो सिग्नल, फिर ऐसे ऐसे जो सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो ऐसे एक एक नर्व सेल से होकर हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। ये नर्व सेल्स जो हैं, ये जो नर्व्स हैं, जो नर्व सेल्स की बनी हुई हैं, ये हमारे ब्रेन के साथ अटैच्ड होती हैं। और ये जो सिग्नल है, ये नर्व सेल्स से होता हुआ हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है
और जब ये सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब एज अ जैसे एक वायर में वो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ट्रांसमिट होती है बल्ब तक, वैसे ही ये नर्व्स के थ्रू एज अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारी ब्रेन तक ट्रांसफ़र होती है, और जब वो ब्रेन तक पहुंच जाती है तो हमें उस चीज़ का पता चल जाता है, वो चीज़ फील हो जाती है, वो सिग्नल का पता चल जाता है। This impulse travel from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. ये जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये देखो